हेलो दोस्तों, आज हमारे पास आया है जियो का फ़ोन। और दोस्तों, इसका मॉडल नंबर दोस्तों F320B। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम आपको पहले दिखा देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पावर ऑन करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें वेलकम लोगो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। कभी कभी रिस्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, देख सकते हैं अभी रिस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। अब देखेंगे, आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ऊपर स्टार्ट कंटिन्यू बूट लिखा गया दोस्तों ऊपर, ठीक है दोस्तों। इस मोबाइल का दोस्तों यही प्रॉब्लम है, तो किस तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आपको दिखाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, फिर एक बार स्टार्ट कंटिन्यू बूट लिखा गया है ऊपर, और दोस्तों ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है, वेलकम लोगो आ रहा है, और दोस्तों ऑटोमेटिक ये रिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बैटरी रिमूव कर देना है, और एक बार दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार दोस्तों प्रेस करना है, और पावर स्विच को एक साथ दोस्तों प्रेस कर कर दोस्तों आपको पावर स्विच को छोड़ देना है, और स्टार स्विच को दोस्तों कंटिन्यू प्रेस करना है। ये दोस्तों रिकवरी मोड हमारा आ चुका है। रिकवरी मोड दोस्तों आने के लिए दोस्तों हमें अभी क्या करना है, वॉल्यूम का दोस्तों ये देख सकते हैं ऊपर नीचे का डाउन स्विच, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों रिकवरी मोड हमारा शो कर रहा है, दिख रहा है अभी। तो देख सकते हैं वेब डाटा फैक्ट्री रिसेट, यहाँ पर हमें लाल कलर का स्विच को प्रेस करना है, और ये इस पर हमें क्लिक करना है 2-3 बार, देख सकते हैं 3 बार आ गया है। अभी दोस्तों हमारा रिबूट सिस्टम पर हम क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल क्या हुआ, हमारे दोस्तों रिसेट हो गया है, ठीक है, हमारा मोबाइल एकदम रिसेट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, वेलकम तो लोगो तो आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों हमारा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो ये हमारा पहला स्टेप था, तो दूसरा वाला अभी हम ट्राई करेंगे, और एक बार देखते हैं, वही प्रॉब्लम है दोस्तों। तो हमारा दूसरा स्टेप हम ट्राई करते हैं, अभी हम फ्लैशिंग करेंगे इस मोबाइल को। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं लाइव आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर वही प्रॉब्लम हमारा क्रिएट है। तो आपको सबसे पहले फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेना है, हम पहले से ही फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर चुके हैं। तो देख सकते हैं हमारा क्यू फाइल, हमारा जो है QFIL, ये दोस्तों हमारा फ्लैश टूल है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मेटा और फ्लैट लिखा गया है, यहाँ पर हमें फ्लैट पर यहाँ पर आपको टाइप करना है, सिलेक्ट करना है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं साइट पर ब्राउज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और आपका जहाँ पर भी आपका फाइल है दोस्तों ये 320 का, वही फाइल को आप ओपन करोगे। तो देख सकते हैं हमारा डेस्कटॉप पर है, और ऊपर है देख सकते हैं 320 फाइल लिखा गया है, इसमें हम क्लिक करेंगे, और एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल नीचे है, यहाँ पर हम डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे। अभी नीचे देख सकते हैं लोड XML लिखा गया है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा फाइल ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इसको हम ओपन करेंगे, और इसको भी हम ओपन कर देंगे, ठीक है। दोनों को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अभी क्या करना है, मोबाइल को आपको बैटरी को निकाल देना है, ठीक है, बैटरी फुल चार्ज होना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो नहीं करना है सॉफ्टवेयर, नहीं तो डेड भी हो सकता है मोबाइल। तो सबसे पहले आपको मोबाइल चार्ज होना चाहिए, तो हमारा मोबाइल फुल चार्ज है। अभी हम स्टार पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, और डाटा केबल लगाएंगे, देख सकते हैं अभी हम लगा रहे हैं, यहाँ पर आपको साउंड सुनाई देगा, साउंड हम ऑन कर दिए हैं, देख सकते हैं अभी हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, नो पोर्ट अवेलेबल लिखा गया है, स्टार को प्रेस करेंगे और डाटा केबल लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेलकम का हमारा पोर्ट शो करेगा, देख सकते हैं क्वेलकम, ठीक है, ESP.COM13, ठीक है, ये दोस्तों हमारा कनेक्ट हो गया है मोबाइल से। अभी हम क्या करेंगे,
डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करते ही हमारा ये कुछ सेकंड लेगा प्रोसेसिंग, तभी ये डाउनलोड स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हो गया है देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों, पूरा लास्ट तक जाएगा, तभी तब जाके ये दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट होगा और नीचे लिखा जाएगा डाउनलोड सक्सेस, तब हम रिमूव करेंगे हमारा मोबाइल को। तो अभी लाइव आप देख रहे हैं, हम इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए हैं, वीडियो पर आपको पूरा दिखाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं धीरे धीरे ये डाउनलोडिंग हो रहा है। आपको यहाँ पर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है और डाटा केबल भी आपको रिमूव नहीं करना है। तो देख सकते हैं धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है। तो कुछ टाइम वेट करते हैं, यहाँ पर हमें कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएगा डाउनलोड कंप्लीट होने में। मोबाइल को ऊपर रख लेते हैं, देखते हैं कुछ शो कर रहा है कि नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फिनिश डाउनलोड हो चुका है। तो आपको जूम करके दिखा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड सक्सेस लिखा गया है और नीचे दोस्तों फिनिश डाउनलोड लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम मोबाइल को डाटा केबल को रिमूव करेंगे। रिमूव हो चुका है, अभी हम बैटरी को भी रिमूव करना है। बैटरी को रिमूव करेंगे तब लगाएंगे। तो बैटरी को रिमूव कर देते हैं दोस्तों। इसका जो बैक कवर रहता है थोड़ा सा, इसका लॉक बहुत हैवी रहता है, इसलिए नहीं खुल रहा है। तो बैटरी देख सकते हैं रिमूव हो चुका है। अभी हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे और बैक कवर के भी लगा देंगे और पावर ऑन करेंगे। अभी हम पावर ऑन करेंगे, पावर स्विच को कुछ टाइम हम प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम का लोगो तो आ चुका है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो वेलकम लोगो तो आ चुका है। आगे का प्रोसेस देखते हैं। बूटिंग ऑफ लिख रहा है, यहाँ पर हमारा रिस्टार्ट हो रहा था। देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो चुका है। देख सकते हैं जियो फोन लिख रहा है, ऐसा नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पर भी आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि कट करना नहीं है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर देख सकते हैं जियो का लोगो आ चुका है और हमारा कीपैड का लाइट भी ऑन हो चुका है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। यहाँ पर हमें लैंग्वेज सेट करने के लिए बोल रहा है और सेटअप करना है, तो सेटअप कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर स्किप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट करेंगे। देख सकते हैं हमारा सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। और दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का ही है, तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों हमारा मोबाइल तो कंप्लीट हो चुका है, और आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको 2 टिप आपको हमेशा याद रखना है। आपको पहले हार्ड रिसेट करना है, हार्ड रिसेट पर नहीं होता है तो आपको फ्लैशिंग करना है। ठीक है, फ्लैशिंग करने से पहले दोस्तों आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है ओरिजिनल वाला। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।